अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि रूटीन के खाने से हटकर हमें कुछ अलग खाने का दिल होता है। तो आज हमारा ऐसा ही कुछ मन हो रहा है। हमने जब चेक किया तो हमारे घर पर रोटियां बची पड़ी हैं। ये चार रोटियां हैं और एक बोल राइस है, ये भी पके हुए हैं। आज हम कुछ एक्साइटिंग और चटपटा सा बनाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह बची हुई रोटी और बचे हुए चावल से हम कुछ एक्साइटिंग बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। एक मिक्सर ग्राइंडर का जार लिया हमने, रोटियों के पीसेस करेंगे, इसमें डाल देंगे, ये चावल भी डाल देंगे। ये दोनों चीज़ों को हमें बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा सा ग्राइंड करेंगे, बस एक से दो बार ही चलाएंगे मिक्सर को। इस तरह हमने इसे ग्राइंड किया है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल बारीक नहीं किया है, कोर्स रखा है, दरदरा सा। बोल में निकाल लेंगे बड़े से। चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक मिलाएंगे, एक एक टीस्पून भरकर है ये। एक बड़ा प्याज चॉप करके, काफ़ी सारा हरा धनिया और दो से तीन हरी मिर्चियाँ, बारीक बारीक चॉप किया सब कुछ। हमारे पास घर में गाजर था तो हमने चॉप करके लिया है एक छोटा गाजर। आपके पास अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसे न डालें, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो यूज़ करके भी बना सकते हैं इसे। वैसे हमारे हस्बैंड ने आज हमारी बहुत सारी हेल्प की, गाजर को चॉप करने में, प्याज को चॉप करने में और कैप्सिकम को भी चॉप करने में, तो काम बहुत आसान हो गया। तो हमने एक छोटी कैप्सिकम भी डाल दी। आप भी हमें ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके हस्बैंड आपकी हेल्प करते हैं तो क्या क्या हेल्प करते हैं, किस तरह से। हमने तीन बड़े आलू ले लिए हैं, बॉईल करके इन्हें ग्रेट कर लिया है। वैसे आलू हम सबके पास घर पर रहते ही हैं। हमारे पास ये पुदीना है, इसे बिल्कुल छोटा छोटा हम चॉप करेंगे। आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास हरी प्याज अवेलेबल है तो आप उसके पत्ते यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्वीट कॉर्न है तो थोड़ा सा बॉईल करके इसमें डाल सकते हैं। कैबेज है तो उसे भी डाल सकते हैं। ये कॉर्नफ्लावर है, एक चौथाई कप। ये अवेलेबल नहीं है तो मैदा डाल दें। सूजी, ये भी एक चौथाई कप। क्योंकि हम जो बना रहे हैं, चलिए सीक्रेट हम बाहर कर देते हैं, हम जो क्रिस्पी क्रॉकेट्स बना रहे हैं उसमें सूजी क्रिस्पी करने में मदद करेगी। चीज़ है हमारे पास तो हम थोड़ा ग्रेट करके डाल रहे हैं इसमें। चीज़ को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, डाल सकते हैं, चाहे तो पनीर ग्रेट करके इसमें डाल दें, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। चाहे तो कुछ भी ना डालें। दो क्यूब चीज़ के हमारे पास है, हमने डाल दिए। मज़े की बात तो ये है कि हम ये क्रॉकेट्स बनाएंगे, खुद भी खाएंगे और बहुत सारे हमारे पड़ोसी भी खाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप खुद देखेंगे कि कितने सारे बनने वाले हैं। दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ, तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com। वहाँ आपको रेसिपी की वीडियो तो देखने मिलेगी ही, साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और बनाने का पूरा तरीका भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दी ना हमने आपकी फरमाइश पूरी। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। नमक डाल देंगे एक टीस्पून के आसपास, क्योंकि चीज़ भी डाली है, चाट मसाला भी डालेंगे, बाद में टेस्ट करके डाला जा सकता है। एक टीस्पून भुने जीरे का पाउडर मिलाएंगे, एक टेबलस्पून ये मोटा कूटा धनिया डाल रहे हैं हम, हाफ टी स्पून के आसपास लाल मिर्च पाउडर, ये कम ज़्यादा किया जा सकता है, हाफ टी स्पून भरकर गरम मसाला पाउडर, एक टी स्पून भरकर चाट मसाला, एक टी स्पून भरकर लेमन जूस। सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं, अभी हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद टेस्ट करेंगे, फिर अगर हमें कम लगेगा तो हम सॉल्ट या ऐसी कोई चीज़ और ऐड करेंगे। हमने अच्छी तरह से मिक्स करके इसे इस तरह आटे के डो की तरह कर दिया है। इसे मिक्स करने में हमने एक टेबलस्पून ऑयल भी डाला था ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। पानी हमने बिल्कुल ऐड नहीं किया है, हाथों को हमने बहुत अच्छी तरह ग्रीस किया है ऑयल से।
पहले थोड़ा सा प्रेशर लगाते हुए हम इसे राउंड करेंगे, बाद में इस तरह रोल करेंगे, ऐसे बनाएंगे क्रोकेट्स। आप चाहें तो छोटे बनाएं, बड़े बनाएं या राउंड कटलेट बनाएं, जो आप पसंद करते हैं। इतने मिक्सचर में हमने तकरीबन 32 क्रोकेट्स बना के तैयार किए हैं, यानी कि 32 क्रोकेट। तो हमने कहा ना आपको, हम भी खाएंगे और पड़ोसी भी खाएंगे। हमने 3 टेबलस्पून मैदा लिया, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, स्लरी बनाएंगे। 3 टेबलस्पून भरकर मैदे में पूरा आधा कप पानी हमने यूज़ कर लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डाला, तब तक बीट किया जब तक इसके अंदर से लम्ब्स ख़त्म हो गए। ये स्लरी इस तरह की होनी चाहिए, आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही पतली। स्लरी में डुबाएंगे। ब्रेड क्रम्स लिए हैं हमने, ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। अब देर किस बात की, बस फ्राई करना है। ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, एक एक करके फ्राई करेंगे क्रोकेट्स। आप चाहें तो इन्हें शैलो फ्राई कर सकते हैं, या बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके फ्राई पैन में भी कवर करके रख के बना सकते हैं हेल्दी तरीके से। जैसा आप पसंद करते हैं वैसा फ्राई करें। अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर दे देंगे, ताकि ये बहुत अच्छे और क्रिस्पी तैयार हो। 3 से 4 मिनट तक हमने इन्हें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है, निकाल लेंगे।